सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको कपड़े पर ब्लाउज रखकर कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके हम ब्लाउज को उस पर रखकर नापी लगाएंगे। देखिए, कंधे लगाने के बाद से हम गले को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर साइड में हम कांखे का निशान ड्रॉ करके एक बॉक्स तैयार करेंगे और उसकी राउंडिंग लेते हुए हम गले पर निशान लगाएंगे। गले का बॉक्स तैयार करने के बाद से उसको शेप देंगे, फिर ब्लाउज रखकर हम साइड का फिटिंग नाप देंगे और कटिंग का भी नाप लगा लेंगे। कटिंग करने के गला देखिए स्टार्ट करते हैं, फिर कंधे को कटिंग करके हम साइड से कटिंग करते हुए कांखी को भी कटिंग शेप देते हुए काट लेते हैं। इसी कपड़े को हम पीछे वाले भाग में रखकर कांखी और गले का ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद से हम गले का शेप देते हुए बॉक्स बनाकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। गला काटते हैं, फिर कांखी को कटिंग करते हुए साइड से ब्लाउज को निकाल लेते हैं। बाजू के माप के लिए बाजू को रखकर हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद से निशान को मिलाकर कटिंग कर लेते हैं। इसको हम कपड़े पर रखकर अस्तर को हम ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करने के बाद से शेप जो हमने अस्तर का दिया है साइड से कटिंग करते हुए कांखी को भी निकाल लेते हैं। फिर इसी तरह से हम अस्तर को फिर गल रखते हुए कपड़े पर गले को ड्रॉ करते हैं, फिर कांखी का भी ड्रॉ करके सेम निशान लगा देते हैं। बेल्ट का निशान लगाने के बाद से हम कटिंग कर लेते हैं। गले को भी हमने ऐसे ही निकाला था, ये देखिए हमने बेल्ट कटिंग कर दिया। बेल्ट कटिंग करने के बाद से हम सेम साइज का कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए अस्तर को हम रखकर बाजू कटिंग कर लेते हैं। आज मैंने इस वीडियो में ब्लाउज को कपड़े पर रखकर कटिंग करना आपको बताया है।